हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे ऐप में मिस्टर धनंजय जी हैं, जिन्होंने डाउनलोड किया है और मुझसे इन्होंने ऐप के जरिए सवाल पूछा है। जैसे मैं बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि आप ऐप डाउनलोड कर लें और डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट हो, मेरे कोर्सेज लेके, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहे तो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम ज्यादा नहीं खाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या है प्रॉब्लम? बहुत ही अनोखी प्रॉब्लम है और बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम है एक्सेल फॉर्मूले की। बेसिकली उन्हें एक स्लोप का फॉर्मूला लगाना है। स्लोप फॉर्मूले में उनको जो है नॉन वाई एस और एक्सेस को देना होता है, इससे स्लोप उनका निकल रहा है। ये उनकी अभी अपनी ट्रेन स्टेटस पे है। उनके पास इतने सारे नंबर्स हैं, नंबर्स उन्होंने सॉर्ट कर रखा है। एक अच्छी चीज है, उन्होंने नंबर सॉर्ट कर रखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्लोप का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे उन्होंने देख लिया, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे स्लोप लगाते हैं, क्योंकि ये 275 था, अब 280 हो गया, तो फिर इतना छोटा लगेगा, फिर उससे आगे इतना पे लगेगा। अब ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, इस सब पे सेम चीज अप्लाई करनी है। तो वो क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, और जैसे यहाँ 281 और 87 के बीच में है, इन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर उन्होंने अपना रेंज ले लिया। तो अब देखिए बढ़ गया ना, फिर उन्होंने रेंज को कम किया, 287 तक किया। ऐसे वो मैनुअली कर रहे हैं और ऐसे उनके पास बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या लगता है, अगर मैनुअल करने चले तो ये सारे नंबर्स करने में तुम्हारा पूरा दिन लग जाएगा? वैसे मुझे वो 2-3 बार पिंग कर चुके हैं, कॉल कर चुके हैं। अब इसको हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अनलाइक बटन दबाने से पहले बोल दूं, मैं ये प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं कुछ गलतियां करूं। अब उस गलती करूं तो आप लोग अनलाइक मत कर दीजिएगा, क्योंकि हर बार जब कोई भी पहली चीज, पहली प्रॉब्लम, पहली क्वेश्चन को फेस करता है तो गलतियां हो सकती है, मुझसे भी होगी। मैं इसे पहले बोल देता हूँ, कुछ लोग अनलाइक कर देते हैं वीडियोस को, लेकिन इन द शॉर्ट मैं इसको कट तो जरूर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे कंडीशन देता हूं, सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा मैच का। मैच इसको लिया और इस पूरे रेंज में हमने मैच किया कॉमा 0। इससे मुझे पता चलेगा कि आखिर रो नंबर कौन सा है, टू नंबर रो है। उसके बाद मैं यहां पे फॉर्मूला काउंट इफ का लगाऊंगा। मैं फिलहाल अलग अलग सेपरेट सेपरेट लगा रहा हूं, फिर इसको कंबाइन करके मर्ज कर दूंगा एक जगह पे। रेंज का फॉर्मूला मैंने लगाया और रेंज फॉर्मूले में मैंने इसलिए बोला कि इसमें से मुझे इसको काउंट करके देना है 9। तो मतलब कि दूसरे नंबर से लेके 9 रो तक है, यहां तक 9 रो तक। अब मैं यहां पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूं और इसको इसको सिलेक्ट करता हूं। ताकि स्लोप में जो चाहिए उस ए कॉलन और सी कॉलन में चाहिए, तो पहले ए कॉलन को बनाता हूं। ऑफसेट हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा 0, और रो कितना, 0 नहीं, रो चाहिए हमें कॉमा रो, हमें 2 रो चाहिए, लेकिन इसे 2 मतलब कि 0, 1, 2, यहाँ 5 पे आ जाएगा, क्योंकि तो ऑफसेट हमेशा 0 से काउंटिंग शुरू करता है, तो -1 कर देता हूँ। उसके बाद सेम कॉलम चाहिए तो 0 कर देता हूं। हाइट, हाइट कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए ये जो 9 हमने काउंट निकाल रखा, सॉरी मैं ऑफसेट या ऊपर लगाता हूं ऑफसेट, और ऑफसेट में हमने यहां से शुरू किया, हमने -1 किया, ये आपका इतने हाइट, इसमें विड्थ 0 होगा, हाइट में 9 होगा और विड्थ में हमेशा 1 होगा। तो
एक एड्रेस बना देगा, पूरा एड्रेस बना दिया ना यहां से यहां तक का पूरा एड्रेस। अब ये चीज क्या हम स्लोप के अंदर डाल सकते हैं, जहां पे ए से ए टू से ए टेन है उस पर मैंने यहां पे डालता हूं। जी हाँ, अब एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इनकी नरेंद्र जी की। तो मैं एक बार फॉर्मूला एवलेट पे जाता हूं और समझाता हूं कि कैसे होगा। तो इसने क्या किया, इसने चेक किया और चेक करने के बाद पूरा एक एड्रेस निकाल के दे दिया जो चाहिए ऑफसेट को, रिजल्ट आ गया आपके सामने। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैच को उठाता हूं, कॉपी करता हूं और यहां जहां पे हमारा F2 है, F2 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया हमने। फिर यहां काउंट इफ का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम काउंट इफ को कॉपी कर रहे हैं और यहां काउंट इफ का जो फॉर्मूला है जी टू उसके जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला पूरी तरह से वर्क कर गया। फिर वापस इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस वन टू थ्री, यहाँ पे वन टू थ्री सी है ना, तो जीरो वन टू, तो यहाँ पे जो कॉलम जीरो दिया है उसके जगह पे मैं टू कर दूंगा। प्रॉब्लम है कि ये चीजें वहां अप्लाई होनी चाहिए जहां पे हमारा नंबर मैच ना करे। तो यहां पे सिंपल सा कंडीशन दूंगा मैं कि इफ ऊपर वाले ए वाले सामने वाले वैल्यू अगर बराबर है ऊपर वाले वैल्यू से तो भाई तुम ब्लैंक कर दो, नहीं तो जो कर रहे हो उसको करते चलो। अब मुझे इसको जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, तो यहाँ पे 72 27 हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ये जो A1 को हमने फिक्स नहीं किया हुआ, इसको हमें फिक्स करना चाहिए, A1 फिक्स करना चाहिए था, ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, गलती थी। अब मैं इसको नीचे का तरफ ड्रैग करता हूँ, 72 सही है, 14 13 भी सही। एक मिनट, ये चेंज क्यों हो गया, यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ तो 10 हो गया। एक मिनट, यहाँ पे तो चेंज करना होगा, ज्यादा छोटी छोटी गलतियां होती है। हमने दोनों तरफ जो A1 लगाया था दोनों तरफ चेंज करना चाहिए था ना, अब सही है। मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ठीक है, सही है। हाँ, पहले से गलत था, अब सही है। जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए हो गया, आ गया। अब मुझे नीचे तक मुझे ड्रैग कर देना है इसको, सारे फॉर्मूले वर्क करेगा। में सिर्फ एक बार आ रहा है इसलिए एरर दे रहा है। तो बाकी चीजें संग्राम जी देख लेंगे, मेरा जो काम था धनंजय जी सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल। आई होप कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और कोई भी डाउट होगी तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ऐप के जरिए, मेरी ऑनलाइन लाइव जूम क्लासेस के जरिए, या फिर मेरे साथ मेरे कॉल के जरिए। जी, आप फटाफट मेरे नीचे डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा ऐप का, उसमें जाइए आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे बहुत सारे मेरे क्लासेस के मटेरियल्स हैं, फ्री मटेरियल भी है, स्टडी फ्री मटेरियल। देखिए मैं डेली सारे वीडियोस वगैरह डालता हूँ, वहां मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर स्टोर सेक्शन में जाते हैं तो मेरे कोर्सेज है, मेरा एक कोर्स है एक्सेल MIS का,
जिसपे अभी 33% का डिस्काउंट भी चल रहा है जो कि आज के लिए है। आप फटाफट डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है पूरे 114 वीडियो, मतलब कि 60 आवर्स की वीडियोज मिलती है। अब जैसे कल सचिन जी ने मुझे कॉल किया था, एक है उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी से लिया था, उन्होंने उनको 25 वीडियोज दिए थे, 2-3 मिनट 4 मिनट की वीडियोज थी, तो लगभग 5-5.5 घंटे का टोटल वीडियो उन्होंने कंबाइन किया तो हुआ और उनको 2500 रुपये उन्होंने लिया था। लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है टोटली 114 वीडियोज। अगर आप इस वीडियोज के सेक्शन में जाए, हर वीडियोज को आप 2-2 मिनट देख भी सकते हैं, कंटेंट पे आते हैं, तो यहाँ हर वीडियोज की 5-5 देखिए 5 घंटे की है, 5 घंटे की है, ऐसे यहाँ पे वीडियो 10 मिनट 17 मिनट 13 मिनट की वीडियोज है, और वीडियोज आपकी 2-2 घंटे की वीडियोज है। जैसे आप डैशबोर्ड सेक्शन में जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे वीडियोस काफी लंबे लंबे वीडियोस आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 50 मिनट की है, 27 मिनट की वीडियोस है, 26 मिनट की है, 2-2 घंटे की वीडियोस इसमें अवेलेबल है, 1.5 घंटे की भी है, 1 घंटे की भी है। तो जैसे टॉपिक के क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वीडियोज है। तो आप फटाफट जाइए स्टोर पे, ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर पे जाइए और फटाफट मेरे कोर्स को परचेज कीजिए और 33% का जो डिस्काउंट आज चल रहा है उस डिस्काउंट को ले सकते हैं। या कोई भी डाउट हो आप ऐप में भी परचेज करते हैं तो चैट के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे चैट से बात करते हैं तो आप भी मुझसे चैट से बात कर सकते हैं। थैंक यू।